हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और ये पपीता मुझे लग रहा था खराब है, लेकिन ये बिल्कुल भी खराब नहीं है, तो मैंने इसे कट कर लिया। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी क्योंकि मेरी मतलब मुझे कोल्ड है। और यहाँ जीविका कर रही स्टडी, तो मैंने सोचा पहले उसको फ्रूट दे दूँ क्योंकि उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। तो हर वक्त चिप्स बिस्किट्स ये चीज़ें जो होती हैं बहुत हार्मफुल होती है, तो हर वक्त ऐसी चीज़ें ना दें। कभी मिल्क दे दें, कभी मिल्क शेक दे दें, या फिर फ्रूट वगैरह ऐसी चीज़ों को आप दे दें। और यहाँ पर मेरी चाय अभी तक बनी नहीं, तो मैं बस चाय में दूध दे रही हूँ। और अब चाय बन चुकी है, तो मैं चाय भी लेकर आ गई हूँ और जीविका को स्टडी भी करा रही हूँ। स्टडी कराने के बाद मुझे ये लगा कि मैंने किचन में ऐसे ही सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई फ्रूट या वेजिटेबल्स कट करते हैं तो वहाँ पे सफाई करना बहुत जरूरी है। आजकल बारिश के मौसम में छोटे छोटे कीड़े घूमने लगते हैं, तो वैसे भी आप बारिश हो या ना हो, किचन की सफाई हमेशा जरूरी है। और ये मैं और जीविका बात करते हैं, तभी अचानक यहाँ पर जीविका गिर गई, उसे चोट आई थी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा प्यार कर दिया तो ठीक हो गई। और यहाँ रशि सोकर उड़ गया है, थोड़ी सी ठंड है तो अभी मैं इसे ब्लैंकेट भी सुलाती हूँ फोल्ड करके। और अभी भी उसे कपड़े से बांध दो तो अच्छी नींद आती है उसे। और अभी उठा तो मैं उसे कुछ खिला दी और पानी भी पिला दिया। और अब डिनर बनाने का टाइम आ गया, तो जल्दी जल्दी मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। और आज शायद हम बाहर जाने वाले हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करके बोला था कि आज हम मूवी जाएंगे, तो बस मैं जल्दी जल्दी और फास्ट काम करने लगी और जीरा राइस बना रही हूँ और पनीर की सब्जी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही यमी होती है। ये जो पनीर की रेसिपी है सिंपल जरूर होती है लेकिन बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में लगता है, खाएंगे तो भी लगेगा कि बिल्कुल रेस्टोरेंट की सब्जी है। और यहाँ मैं टोमेटो धो रही हूँ क्योंकि वेजिटेबल्स जितनी बार भी कट करो धोकर ही करना चाहिए। आप कितना भी धोकर फ्रिज में रख दो लेकिन वापस आप धोकर यूज कीजिए, क्योंकि चीजें बार बार गंदी होती ही रहती है। तो मैं इसकी प्यूरी बना लूंगी। और मैं कह रही थी कि ये जो पनीर की रेसिपी है बहुत सिंपल है बट बहुत ही यमी होती है। तो यहाँ ऋषभ फिर वापस डिनर का टाइम हो गया ऋषभ का, तो मैं इसे खिचड़ी खिला रही हूँ। और जीविका कह रही है कि मम्मा कब जाना है कब जाना है, बच्चों को अगर पता चल जाए कहीं घूमने जाना है तो बच्चे बार बार पूछते हैं। तो यहाँ मैंने टोमेटो और प्याज की पेस्ट का मतलब मसाले मैंने बनाए थे, उसमें धनिया पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, हल्दी और नमक डाल दिया था। और ये सब भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी मलाई। मलाई डालने से हमेशा मैंने देखा है कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट हो जाता है, वो भी क्रीम मलाई ऐसा कुछ डालते ही है, लेकिन मैं घर के फ्रेश फ्रेश मलाई का इस्तेमाल करती हूँ। मैं बाहर की क्रीम का इस्तेमाल कभी भी नहीं करती। तो ये बस हो गया है, इसके बाद इसमें मैं डालूंगी पानी। जब ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी पनीर कट करके। लेकिन आज मैं ग्रेवी वाली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज हम राइस के साथ ही लेने वाले हैं, रोटी बनाने का लफड़ा आज मैंने नहीं किया है, तो इसलिए। अदरवाइज तो मैं इतनी पतली नहीं बनाती, हमेशा ड्राई ही बनाती हूँ। कभी तो ट्राई वाला बनाऊंगी तो जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो खाना बनाने के बाद मैंने देखा बर्तन बहुत सारे निकले हुए थे, तो मैंने सोचा कुछ बर्तनों को मैं क्लीन कर लूँ, ये काम भी बहुत जरूरी है, वरना बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो मैंने जल्दी से डिनर को सर्व करना शुरू कर दिया है। देखने में भी यमी है और खाने में भी आई होप कि यमी हो। तो मैं प्याज जरूर डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को या मुझे भी अनियन जरूर पसंद है खाने के साथ। तो ये है आज का हमारा सिंपल डिनर। और अब बस हम खाना खा के निकल चुके हैं बाहर मूवी देखने के लिए, लेकिन रात को भी बारिश इतनी हो रही है रास्ते में, बिल्कुल लग रहा है कि पता नहीं क्या मुंबई की बारिश चली जा रही है, रुकती रही। और हम किसी बात पे हंसी मजाक कर रहे थे,
तो भाई, और देखे यहाँ पे अभी भी रोड बिल्कुल गीले हैं। अच्छा, मैं मॉल आया ना तो इतनी ज्यादा भीड़ थी कि रात के 11 बजे की बात है, इतनी भीड़ थी कि पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं मालूम नहीं। और सभी मूवी देखने आए थे क्योंकि अभी बाकी चीजें तो बंद हो चुकी है, सिर्फ मूवी देखने वालों की इतनी भीड़ है। और हम कल बहुत लेट हो गए थे, इसलिए अब जाकर मैं ब्लॉग वापस शुरुआत कर रही हूँ शाम से नेक्स्ट डे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड गिटार बजाकर सुना रहे थे ऋषिक को, और मैं अब हलवा बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा, सिंपल सी रेसिपी है, कभी फिर से बताऊंगी। और हलवा बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। शाम को बारिश के मौसम में गर्मा गर्म हलवा मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। और मैं अब वापस थोड़ा सा बाहर नीचे आ गई वॉक करने के लिए, ऋषिक को घुमाने के लिए। ऋषिक आने के बाद फिर अपनी मस्ती कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, मस्ती करता है, बस यही है। जब से ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा हो गया है, शैतान कह लीजिए बहुत ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा संभालना भी मुश्किल हो रहा है अब इसको। लेकिन ठीक है, ग्रो हो रहा है, इस बात की खुशी है। और यहाँ ना मुझसे मोबाइल छीन रहा था, वही मैं उसको बार बार समझा रही, बेटा मोबाइल नहीं, क्योंकि बच्चों को एक बार मोबाइल की आदत पड़ गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ जीविका देख रही है टीवी। कल का व्लॉग आज मैं एंड कर रही हूँ। कल देखा ही था आपने, हम मूवी चले गए। फिर मूवी जाने के बाद इतनी लेट में मैं आई हूँ कि फिर व्लॉग एंड करने का कोई उस टाइम मतलब ही नहीं बनता था। ऋषि को सुलाना था और जीविका को भी, तो बहुत लेट हो गया था। तो अब जाकर मैंने आज एक दो क्लिप मैंने शूट किया और आज व्लॉग को एंड किया, जो कि आज ये संडे है। संडे को मैंने बोला था कोई व्लॉग नहीं आएगा, तो व्लॉग तो नहीं आया, लेकिन मेरा काम नहीं रुका, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे काम कर रही थी। आज मैंने फ्रिज वगैरह क्लीन किया, घर की साफ सफाई, तो ये मत समझिए कि संडे को रेस्ट तो मुझे बिल्कुल नहीं मिला, काम बहुत ज़्यादा था। लेकिन हाँ, व्लॉग अपलोड नहीं किया मैंने, तो व्लॉग इसलिए भी अपलोड नहीं किया, व्लॉग थे भी नहीं। और मैंने डिसाइड भी किया है कि संडे को एक दिन व्लॉग गैप करूंगी, बिकॉज थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा और ठीक है, एक दिन छुट्टी होनी चाहिए, सबकी होती है, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया। एंड सेकेंड थिंग कि ठीक है, आप ऐसे ब्लॉग तो आते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं ऋषि को दिखा रही हूँ, क्योंकि ऋषि बार बार कोशिश कर रहा था आने की। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, और आज नाम लूंगी सतीश तनवर, जिन्होंने लिखा है कि सब्जी माउथ वाटरिंग थी। थैंक यू सो मच कि मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आती है। आगे मैं ट्राई करूंगी और नई नई रेसिपी आप लोग के लिए सीखने के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ नया दिखा सकूँ। फिलहाल जितनी रेसिपी है उसी से आप लोग काम चलाएं। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, बात यूट्यूब की नहीं है, बात घर की ही है, कि मैं अपनी फैमिली को हमेशा सोचती हूँ अच्छा खाना बनाऊँ, अच्छा खाना बना के खिलाऊँ, क्योंकि मुझे भी खाने पीने का शौक है। और जब आप अच्छा खाना बनाते हो तो फैमिली भी खुश और आप भी खुश होते हो, है ना। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि पसंद आया, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के एडवाइस, आप लोग के सजेशंस, या आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं मेरे ब्लॉग के बारे में, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनना आप लोग के मुंह से कि कैसा रहा आज का ब्लॉग। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं जरूर आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।